आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विजय ब्लॉक प्रमुखों को दी जीत की बधाई, कहा क्षेत्र पंचायत चुनाव में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के तहत हर तबके के लोगों को मिला प्रतिनिधित्व। फर्जी दस्तावेजों के सहारे शिक्षा विभाग में नियुक्ति गैंग के 5 सदस्यों को एसटीएफ की टीम ने किया गिरफ्तार, 19 लोगों को फर्जी दस्तावेजों के सहारे दिला चुके हैं नौकरी। जनपद के 20 ब्लॉकों में से 18 ब्लॉक प्रमुख पद पर बीजेपी ने तो 2 पर निर्दलियों ने लहराया जीत का परचम। विजयी प्रत्याशियों को एडीएम वित्त एवं राजस्व ने दिया जीत का प्रमाण पत्र, कहा शासन से निर्देश मिलते ही होगा शपथ ग्रहण। विजयी प्रत्याशियों ने कहा क्षेत्र का करेंगे समुचित विकास। पति ही निकला अपने पत्नी का कातिल, बांसगांव पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा, आरोपी पति को किया गिरफ्तार भेजा जेल। गोरखपुर में शनिवार को मिले 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,319। अब तक 846 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 59 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर सहित जनपद के सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा राष्ट्रीय लोक अदालत में 77,019 आय मामले तथा 68,325 मामलों का किया गया निस्तारण। शनिवार को भी जिला अस्पताल सहित अन्य केंद्रों पर कोविड वैक्सीनेशन के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, 6,960 लोगों ने कराया कोविड का वैक्सीनेशन। जनपद के तहसील कैंपियरगंज के अंतर्गत लोहिणी नदी से 3 गांव सुधनी बुढ़ेली एवं अलगटपुर बाढ़ से प्रभावित, लगाई गई है 5 नावें। एडीएम फाइनेंस ने कहा स्थिति सामान्य, जरूरत के लिए तहसील प्रशासन को करे सूचित। और शासन के निर्देश पर शुक्रवार की रात्रि 9 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लागू साप्ताहिक बंदी के तहत शनिवार को बंद रही महानगर की दुकानें। एडीएम सिटी ने कहा लॉकडाउन का कराया जा रहा है कड़ाई से पालन, पुलिस लगातार करा रही है वाहनों की चेकिंग, लोगों को कर रही है कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक।